विक्रम जिस तख्त पर बैठ के तुम सारी दुनिया को जज करते हो ना, उसे जरा नीचे उतर के देखोगे तो पता चलेगा। याद है समर के लिए कॉल आया था और तू चला गया था। समर ना आर्मी को लेकर अनश्योर है, तो ऐसे में किसी मिशन पे भेजना इट्स डेंजरस फॉर हिम। कभी एक बार उसके बाप बनने की कोशिश की, उस बच्चे की जिंदगी में अगर तुम्हारी जगह किसी और बेजान चीज को रखा जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। She was all heart, all love, and all laughter. भैया झगड़े सब क्या होते हैं? जो बात को पकड़ के बैठा रहता है, दुख उसके पास रह जाता है। भैया, वो कोई लॉयर आया है। भैया उसको मैं श्रीमती प्रेमलता रानावत, स्वर्गीय श्री रणदीप सिंह रानावत की धर्मपत्नी, जिसका जन्म 14 अगस्त 1932 को हुआ था, यह तय करती हूँ कि मैं इस वसीयत को अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ और इस वसीयत को लिखते वक्त मुझ पे किसी का दबाव या प्रभाव नहीं है। मैं अपना घर, अपने सेविंग्स अकाउंट का सारा पैसा अपने पोते मृदुल रानावत के नाम करती हूँ। यह सारी संपत्ति मेरी अपनी है और मेरे परिवार के किसी और सदस्य का इस पर कोई हक नहीं है। इसके अलावा मैं श्री शशिकांत शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपती हूं कि इस विल के एग्जीक्यूटर बनके इसको मेरे परिवार तक पहुंचाए। वैसे प्रेमलता जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो आज ही पढ़ी जाए। So, Ranaut party is still on. I'm sorry, मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती। इन्होंने बुला लिया और अपने पापा को तो तुम जानते ही हो। मेरे बिना उनका मन ही नहीं लगता। Don't worry, मैं chill कर रही हूँ। बस एक चीज को मैं बहुत miss करूँगी। मेरा घर, वो घर जिसमें मैंने अपने life के 50 साल बिताए हैं। पहले शादी हुई, फिर बच्चे, फिर उनकी शादी और उनके बच्चे। चाय की प्याली में लिपटी हुई वो हजारों दोपहरें और बोतलों से बहती हुई रंगीन शामें, हर दिन, हर त्योहार, हर साल। आई नो ज्यादा सेंटी हो गया, लेकिन आज अलाउड है ना। देखो अभी गीता रो रही होगी और विक्रम टफ बनने की एक्टिंग कर रहा होगा। बिम्मी करके अपनी चुन्नी से खेल रही होगी और मुरारी बिम्मी को देख के सेंटी हो रहा होगा। समर और सोनाली को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि उन्हें इमोशन से डील करने का यही तरीका आता है। वैसे अगर तुम लोग ये लेटर सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं बड़ी फिल्मी तरीके से गई हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना लंबा जीऊं कि तुम मेरी चाय में कुछ मिलाने का प्लान करो। But now is the time for one last hurrah. मेरी मौत को नहीं, मेरी जिंदगी को यादगार बनाओ। कहते हैं दिवाली पे जलाया हुआ एक दिया पूरे अंधेरे को मात देता है। अगर एक बार मेरा पूरा परिवार दिवाली पे इकट्ठा हो जाए तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी और मैं तो किसी हाल में उसे मिस नहीं करने वाली। सी यू। Thank you.
अब क्या हुआ? कुछ कहना है? Please don't spoil this moment. I want to take this moment, भैया. I'm really sorry, भैया. अभी नहीं. I'm really sorry, भैया. आप बिना बताए मेरी जगह चले गए. एक बार पूछ तो लिया होता. बिना बताए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया. बता के थोड़ी करते हैं सैक्रिफाइस. You were not up to it, so I went. आपने मेरे लिए क्या क्या किया? You might not know this, Samar, but that's what family is for. Okay, and it's not called sacrifice. जब से पता चला भैया, I just can't breathe. I wish I could say sorry enough times. I wish I could undo what I did, but I can't. पर आप मुझे माफ कर दो भैया. आपका सैक्रिफाइस बेकार जाएगा. आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं. मैं जो बोलूंगा तुम करोगे? हाँ. कन्नौरी का फेमस खड़ूस हूं मैं. सोच लो. मैं तैयार हूं भैया. तुम्हारे ढाबे में मुझे खाना खिला. ढाबा नहीं है. हाँ, पता है. रुकी नहीं. चल हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं सोनाली. तुम कब सो रही हो और कब नहीं, इतना तो बता ही सकता हूं. We know each other so well, right? I'm sorry that I took that away from us. मैं जानता हूं कि ना तुम मेरी शक्ल देखना चाहती हो और ना मेरी आवाज सुनना चाहती हो. But today I don't care. I have to tell you something. I want you to know. The only person I've ever loved. I love you. And I will always love you.
What? Huh? अद्दू, तुझे लगता है कि तेरा और मेरा भी सीन बन सकता है? शशि, हाँ? अच्छा सुन, हाँ? अगर पूरी दुनिया खत्म हो रही हो, हाँ? और सिर्फ तू और मैं बचे हो, हाँ? और अगर दुनिया को फिर से पॉपुलेट करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ करना पड़े, हाँ? तो भी नहीं। But what if तू लड़कियों से बोर हो जाए एक दिन, हाँ? शशि, मैं कभी बोर नहीं होने वाली, trust me. You know what, Adu? I think you're not really attracted to me. शशि, one sec. You think? Fine. जा सुमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी. Oh, thank you, शशि. Like, तेरे परमिशन के बिना तो मैं सुसु भी नहीं करती। सुसु से याद है यार, सुबह से रोक के रखी हाँ। Okay, मैं जाता हूँ। Go. Don't we know each other from somewhere? I thought so, but apparently not. Twist of line? Thanks, Samar, but I'm really done with the twists. Sonali, क्या करना पड़ेगा? It's not that easy. I'm not saying it is. I was just hoping that we could work through the difficult. I just need one chance, Sonali. Jo bhi tum kaho. Tumhe shaadi se break chahiye, you want to start afresh, anything you want. Because this distance between us, it's killing me. I know I want to be with you. I can't ask you to be with me. So it's all up to you. सुनो, मेक द कॉल। फुलझड़ी लग रही हो वैसे। बात है जो मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं। क्या? वो जब मैं द्रास गया था, वो कॉल मिलने नहीं आया था। वो आपके लिए नहीं आया था? मैंने समर के लिए आया था। वो उस वक्त he was not ready for the army, he was not interested. ऐसे में उसके लिए थोड़ा मैं डेंजरस, तो मैं चला गया। मैंने किसी को बताया नहीं। ड्रेस में आपका कब बैज? समर को पता है? हाँ, समर को पता। पता नहीं कैसे पता, पर उसको पता है। पप्पू की भाषा में छड़ यार। लेटर आया है।
मम्मी मृदुल कहाँ है? तुमको पता है इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। This can change our lives. तुम सबको देखते हो चुपचाप, जब सब लोग खुश होते हैं तो तुम खुश हो जाते हो। कोई रोता है तुम रात भर सोते नहीं हो। मम्मी के मूड स्विंग्स को पहचानते हो? आई होप ये सब तुमने अपने पापा से सीखा। I know. I have not given you enough. And after this, I don't know if I would get another chance. But I want to say I love you. Will always.
कहते हैं दिवाली पे जलाया हुआ एक दिया पूरे अंधेरे को मार देता है। अगर एक बार मेरा पूरा परिवार दिवाली पे इकट्ठा हो जाए तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी और मैं तो किसी हाल में इसको मिस नहीं करने वाली।